नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग देख सकते हैं, आज मेरे पास एक प्रिंटर आया है जो कि HP लेजा ZP1007 का। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये पेपर पिकअप नहीं हो रहा है, मतलब पेपर पेपर को अंदर तरफ नहीं खींच रहा है और प्रिंट नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये इसका प्रॉब्लम है और मैं इसका आपको सोल्यूशन तुरंत दिखाऊंगा। तो मैं पहले एक प्रिंट आप लोगों को चला के टेस्ट करके दिखाता है। देखते हैं, मेरा प्रिंटर ऑन है। अभी हम इधर से एक प्रिंट देंगे, एक पेज को यहाँ से प्रिंट देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट है मेरा HP 1007 का जो प्रिंटर है। देख सकते हैं प्रिंट चला दिया इधर। अभी प्रिंटर में देखते हैं क्या हो रहा है। देख सकते हैं पेपर को खींच रहा है लेकिन वो अंदर तरफ नहीं ले पा रहा है, मतलब पेपर को जब हम इधर पेपर रखेंगे, पेपर को खींच के जाके उधर से प्रिंट निकलेगा लेकिन प्रिंट नहीं निकल रहा है और इधर रेड लाइट एरर दिखा रहा है। अभी डिस्प्ले में क्या एरर है वो आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं लोड ट्रे वन करके एक एरर आ रहा है और इधर जो मैसेज दे रहा है, पेपर लोड द रिक्वेस्ट पेपर इन द ट्रे और प्रेस गो बटन बिलो टू यूज एबल पेपर, बोल रहा है कि आपका जो ट्रे है, पेपर का जो ट्रे है प्रिंटर में, उस प्रिंटर में पेपर नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेपर है। ठीक है, तो इसका ये जो प्रॉब्लम है, ये पिकअप रोलर का खराब होने से ये हो सकता है और गियर का खराब होने से ये हो सकता है। तो मैं प्रिंटर को बंद करके इसका सोल्यूशन कैसे होता है आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इसका कार्टिज निकाल लूँगा और इधर से पावर कनेक्टर को भी खोल दे रहा हूँ। तो मैंने पावर कॉर्ड निकाल दिया और USB भी और कार्टिज को भी अभी निकाल देंगे। कार्टिज का प्रॉब्लम होने से भी होता है लेकिन ये कार्टिज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देख सकते हैं अंदर वो जो है वो ये है पेपर का पिकअप रोलर। ठीक है, इसी इसी की मदद से पेपर को अंदर तरफ खींचता है। तो मैं पहले इसको आपके सामने खोल के दिखाता हूँ ये क्या प्रॉब्लम है या नहीं प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे खोलना है। दो साइड दो लॉक रहता है, इधर एक लक रहता है दाहिने तरफ और बाएं तरफ एक लक रहता है। तो एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने निकाल दिया अभी इसको, और इसको गौर तरीके से देखिएगा। ये जो प्रिकर रोलर है, ये इसके जो ऊपर जो रबार रहती है, ये रबार खराब हो चुका है, इसके लिए ये पेपर पिकअप नहीं हो रहा है। तो पहले ये जो पेपर का जो पिकअप रोलर है, इसको हम बदल के देखेंगे नया लगा के, और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने एक नया पेपर पिकअप रोलर लाए हैं और इसको हम अभी प्रिंटर में सेट करके प्रिंट टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। अभी इसको यहाँ से फिट कर देते हैं, कार्टिज लगा के आपके सामने चला के टेस्ट करेंगे। कार्टिज लगा दिया और पावर कॉर्ड को भी लगाएंगे और USB कनेक्टर को भी लगाएंगे। देख सकते हैं प्रिंटर मेरा अभी ऑन है और मेरा प्रिंटर रेडी हो रहा है। इधर एक पेज दे देंगे कुछ, देख सकते हैं पेज भी मैंने लगा दिया और इधर से जाके प्रिंट देंगे। देखते हैं क्या हुआ, एरर हट गया, ये पेपर प्रिंट होके निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। प्रिंट कमांड चला दिया, अभी इधर देखते हैं कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं प्रिंट ये पेपर को पिकअप ले रहा है और अंदर से प्रिंट होके निकल रहा है, देख सकते हैं। तो गाइज, मेरा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।